छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने क्रिमिनल गैलरी का शुभारंभ किया, जिसमें जिले भर के ऐसे अपराधी जो लगातार अलग अलग अपराधों में संलिप्त रहते हैं, साथ ही अन्य राज्यों के अपराधी भी शामिल हैं। वहीं एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस गैलरी में अपराधियों का संपूर्ण संधारित करते हुए फोटो एकत्रित किया गया है, ताकि भविष्य में अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर पीड़ित को क्रिमिनल गैलरी का अवलोकन कराया जा सके। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए रायपुर पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। जी हाँ, राजधानी रायपुर में साइबर यूनिट की टीम ने जो नई पहल की शुरुआत की, हमारे साथ राजधानी रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल है, उनसे सीधे जानेंगे सर किस प्रकार की पहल है और अब क्या कुछ नया रायपुर की जनता को देखने को मिले। एक क्रिमिनल गैलरी को प्रारंभ किया है एसएसपी ने। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पीड़ित अपराधी जिनके साथ अपराधिक घटना घटित हुई है, या फिर नकबदनी चोरी जिसमें किसी चोर या नकबदन को किसी गवाह ने भागते हुए देखा, उनकी पहचान कराने में ये गैलरी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर ऐसे आदतन अपराधियों की तस्वीरें लगाई गई जिन लोगों ने किसी तरीके के अपराध लोगों ने किए। यदि इन्हीं लोगों से कोई अपराध करता है तो पीड़ित उसको आसानी से यहाँ की फोटो देख करके पहचान पाए। अपराधी यहाँ पे आएंगे जिनकी पहचान नहीं हो पाती, उनकी पहचान के लिए क्रिमिनल गैलरी इसका नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत आज राजधानी रायपुर में हुई है। एमके न्यूज़ के लिए मोहम्मद अजहर के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।